उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता और एक आर्मी जवान के घर से लाखों का माल चोट ले उड़े, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के जमुनिया खुर्द गांव का है, जहां बीती रात चोरों ने भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष जयपाल सिंह के घर से 23 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 1,09,000 रुपये नगद। तो वहीं लेह लद्दाख में पदस्थ सेना के जवान रघुवीर के घर से 6 तोला सोना और 15,000 का माल पार कर दिया। सुबह जब घर वाले सोकर उठे तो उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। चोरी हो गई है और पड़ोस में भी चोरी हो गई, सोना चांदी सब ले गए, पैसे वगैरह। कितना मतलब कितना सोना लगभग चला गया आपका, कितने तोले सोना होगा? 5-6 तोले सोना था, 15,000 रुपए थे। अच्छा, तो क्या आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? नहीं, विद फैमिली। ये जी, रात में करीब 10 बजे बाहर से आया था और 11-11:30 पर मैं सोया था नहा खाना खा के, और उसके बाद सुबह को सब बाहर सो रहे थे, सब लोग। हमारी बेटी बाहर थी और बेटा छत पे था ऊपर। सुबह जब बेटी 4 बजे लगभग उठी तो वो अंदर को जो आई रूम में, तो अंदर से बंद था, अंदर से रूम बंद था। तो बेटे को फ़ोन करा उसने कि भैया ये अंदर से बंद क्यों कर दिया? बोले नहीं, मैंने तो बंद नहीं करा। तो वो छत पे से आया, उनने जो देखा तो सब सामान ये बिखरा पड़ा था। तो ये बोले कि किल्ली निकल गई, यानी पापा पापा सब चोरी हो गई अपने हाथों। तो मामला ये है, हमारे मित्र हैं जयपाल सिंह, बराबर में खड़े हैं, इनके बाहर ये काम करते हैं, ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं इनके लखनऊ साइड में। वहाँ से रात ही लौटे 10 बजे, और 10 बजे ये आगे सो गए, और पूरा परिवार यहाँ सो रहा था घर से बाहर बरामदे में, और घर के अंदर पीछे से ग्रिल काट के और चोर अंदर आए। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय उन्होंने लगाया हुआ, एक दो घंटा जरूर लगा हुआ उन्हें, जितना सामान उन्होंने देखा है। और करीब 17-18 लाख का इनका नुकसान, गोल्ड भी गया है 17-18 तोड़े इनका, चांदी भी गई है, और बाकी और भी जो सामान था नगद पैसा भी था 1.5 लाख रुपये करीब, इतना भारी नुकसान हुआ। उसको प्रश्न में यहाँ आ जाया था। खैर, खबर की उम्री में एक गाँव में चोरी का मामला प्रकाश में आया, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र ही अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। ये बताया गया 2 घरों में चोरी का मामला प्रकाश में आया।